नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिर से 11 की एक वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले। यह वैकेंसी कहाँ निकल के आई है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आई है, योग्यता क्या रहने वाला है, उम्र सीमा क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या एग्जाम होगा या मेरिट के आधार पर बहाल किया जाएगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिए पेमेंट भी लगता है, सारी जानकारी वन वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो लाइव इनकी वैकेंसी आई है। सो इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रही है, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और लाइव इन की जो वैकेंसी आई है स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। कब से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो रही है और कब तक चलने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी हम बता रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन का डाउनलोड कर लिए, ध्यान से देखिए। ट्रेनिंग शिप देख लीजिए, ट्रेनिंग शिप ट्रेनिंग लाइब्रेरियन एवं रिसर्च के लिए यह पोस्ट है, जो कि एज देख लीजिए 30 ईयर दिया हुआ है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, अगर आप बीए किए हैं, बीएससी किए हुए हैं, या बीबीए किए हुए हैं, या बीसीए किए हुए हैं, या बीटेक किए हुए हैं, साथ साथ आपको लाइब्रेरियन की डिग्री है, विलिस या एमलिस किए हुए हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो कि आपको सैलरी मिलेगी देख लीजिए 22,000 पर महीना मिलेगी। इस फॉर्म को भरने के लिए पेमेंट नहीं लगता है। कहाँ से भरिएगा देख लीजिए, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 17 तक ही फॉर्म भर सकते हैं, 17/6/2023 तक ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और यह नहीं एग्जाम होगा, मेरिट के आधार पर बहाल किया जाएगा, तो 17/6 तक ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि देख लीजिए यह कहाँ निकला है, IIM रोहतक में यह निकला है वैकेंसी, जो कि देख लीजिए ट्रेनिंग लाइब्रेरियन और रिसर्च के लिए यह वैकेंसी निकल के आई है, जो कि आप भी अगर आपके पास जो भी डिग्री है देख लीजिए, ऊपर में डिग्री देख लीजिए, अगर आपके पास कोई भी यहाँ में डिग्री है, या बीएड किए हुए हैं, या देख लीजिए बीएड किए हुए हैं, या बीए है, या बीएससी है, या बीबीए है, या बीसीए है, साथ में साथ आपको बिलिस या एमलिस की डिग्री है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट के पास यह डिग्री है, तो अभी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपको बहाल किया जाएगा, और सैलरी भी देख लीजिए अच्छा खासा सैलरी भी दे रही है। इसीलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट भी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। नई पेमेंट लगता है फॉर्म भरने के लिए, 17/6 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, 17/6 तक ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो कि देख लीजिए एक बार नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा। जो कि फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देख लीजिए एक आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए हैं, जहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, नहीं एग्जाम है, और बिलिस या एमलिस के आपके पास डिग्री होगा ही, इस फॉर्म को अच्छा से भर सकते हैं। जो कि एज देख लीजिए बहुत अच्छा का एज भी दिया हुआ है, 30 वर्ष दिया हुआ है, 30 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बता दी। इस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी भी दे रही है, नहीं एग्जाम हो रहा है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और परमानेंट जॉब है, सिलेक्शन हो जाती है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में सारी जानकारी वन वन करके हम आपको बता दिए हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएंगे और सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि सारी जानकारी बता दिए हैं। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।